साथियों, दिन प्रतिदिन के जीवन में हमने देखा है कि जब हम चीनी जल में मिलाते हैं तो वो घुलती चली जाती है, पर एक स्थिति ऐसी आती है जब वह घुलनी बंद हो जाती है। इस स्थिति को हम कहते हैं कि यह संतृप्त विलयन बन गया है। आइए आज के प्रयोग में हम जल में सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन बनाना सीखेंगे तथा कक्ष ताप पर इसकी विलेयता निर्धारित करेंगे। आज हम आसुत जल में सामान्य लवण या सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन बनाएंगे और कक्ष ताप पर इसकी विलेयता ज्ञात करेंगे। वह विलयन जिसमें किसी दिए हुए तापमान पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घुल सकती, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी विलयन में विलेय की विलेयता पता करते समय तापमान रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन में विलेयता 100 ग्राम विलायक में विलय होने वाले उसके द्रव्यमान द्वारा परिभाषित की जाती है। आइए अब हम कक्ष के तापमान पर अर्थात 32 डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त विलयन तैयार करना सीखते हैं। आज के प्रयोग का उद्देश्य है जल में सामान्य लवण का संतृप्त विलयन बनाना और उसकी विलेयता निर्धारित करना। आवश्यक सामग्री: सोडियम क्लोराइड, आसुत जल, डिजिटल तुला, 3 250 ml के बीकर, एक कीप, निस्पंदक पत्र, विलोडक छड़, बर्नर, त्रिपाद स्टैंड, तापमापी। इस प्रकार कुछ आवश्यक सामग्रियां हमें चाहिए। अब हम कार्यविधि की ओर चलते हैं। सबसे पहले मापक सिलेंडर की सहायता से 250 मिलीलीटर आसुत जल लेंगे। मापक सिलेंडर की सहायता से हमने 100 मिलीलीटर आसुत जल लिया। ध्यान रहे, मापक सिलेंडर को यूज करते समय यह स्थिर रहना चाहिए। इस 100 मिलीलीटर जल को हमने एक 250 मिलीलीटर के बीकर में डाल दिया। सोडियम क्लोराइड धीरे धीरे हम इस जल में मिलाते जाएंगे और विलोडक छड़ की सहायता से इसमें घोलते जाएंगे। कुछ और सोडियम क्लोराइड इसमें मिलाएंगे। यह सोडियम क्लोराइड का विलयन बन गया है, पर हमें संतृप्त विलयन बनाना है। आइए इसे थोड़ा गर्म करते हैं। हम इसे 40 से 50 डिग्री तक गर्म करेंगे। क्या आप जानते हैं यदि हम विलयन को गर्म करें तो उसकी विलेयता बढ़ेगी या घटेगी? आइए देखें। जैसे जैसे हम इसको गर्म करते हैं इसकी विलेयता बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड इसमें घुलता जा रहा है। तापमान 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। अब हम इसको गर्म करना बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे बीकर का तापमान कक्ष तापमान पर आ रहा है, जो आज के दिन
32 डिग्री सेल्सियस है, बीकर की तली में सोडियम क्लोराइड जमा होता जा रहा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है और तापमान घटाने पर विलेयता कम होती है। अब इस अविलेय सोडियम क्लोराइड को फिल्ट्रेशन विधि से अलग कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि बचा हुआ सोडियम क्लोराइड फिल्टर पेपर में रह गया है और इस प्रकार हमारा संतृप्त विलयन इस बीकर में तैयार है। आइए इस प्रयोग की गणना या कैलकुलेशन करते हैं। अब हम संतृप्त विलयन की विलेयता पता करते हैं। इसके लिए हमारे पास दो विधियां हैं, पहली घनत्व विधि और दूसरी वाष्पन विधि। आइए शुरू करते हैं घनत्व विधि से। अब हम इस 250 मिलीलीटर वाले बीकर का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं और इसके लिए इसको डिजिटल तुला पर रखते हैं। आप देख सकते हैं इस बीकर का द्रव्यमान 95.21 ग्राम है। अब इस मापक सिलेंडर की सहायता से 100 मिलीलीटर संतृप्त विलयन लेकर तुले हुए बीकर में डालते हैं। मापक सिलेंडर की सहायता से 100 मिलीलीटर संतृप्त जल तुले हुए बीकर में डालते हैं। और इसे डिजिटल तुला पर रखकर इसका द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। आप देख सकते हैं कि संतृप्त विलयन युक्त बीकर का द्रव्यमान 233.23 ग्राम है। जैसा कि हम जानते हैं कि आसुत जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है। यदि हम घनत्व को उसके आयतन से गुणा करेंगे तो हमारे पास उसका द्रव्यमान आएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि 100 मिलीलीटर आसुत जल में द्रव्यमान होता है 100 ग्राम। यदि हम 100 मिलीलीटर संतृप्त विलयन के द्रव्यमान में से 100 ग्राम आसुत जल का द्रव्यमान घटा देते हैं तो हमारे पास 100 मिलीलीटर आसुत जल में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान आ जाएगा और वह बराबर है 138.02 ग्राम। यदि हम संतृप्त विलयन के द्रव्यमान में से आसुत जल के द्रव्यमान को घटा देते हैं तो हमें घुले हुए सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है। साथियों, अब हम वाष्पन विधि के द्वारा सोडियम क्लोराइड की विलेयता ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक वॉच ग्लास लेंगे और उसको डिजिटल तुला में रखेंगे। आप देख सकते हैं इसका द्रव्यमान है 20.69 ग्राम। आइए इसे नोट करते हैं। अब मापक सिलेंडर की सहायता से बनाए गए संतृप्त विलयन का 25 मिलीलीटर एक चाइना डिश में लेते हैं। अब हम तार की जाली बर्नर पर रखते हुए चाइना डिश को इसके ऊपर रखकर गरम करते हैं। आप देखेंगे गरम करते करते धीरे धीरे इसका सारा जल वाष्पित हो जाएगा और केवल विलेय रह जाएगा। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि इसका सारा जल वाष्पित हो गया है और केवल सोडियम क्लोराइड विलेय रह गया है। अब हम बर्नर को बंद करेंगे। चाइना डिश के ठंडा होने के पश्चात हम इसे नीचे उतारते हैं और स्पैचुला की मदद से इसका सारा सोडियम क्लोराइड वॉच ग्लास में लेते हैं। यह वही वॉच ग्लास है जो हम पहले से जिसका द्रव्यमान हम ज्ञात कर चुके हैं।
आप देख सकते हैं कि हमने सारा सोडियम क्लोराइड वॉच ग्लास में इकट्ठा कर दिया है। नमक युक्त वॉच ग्लास को डिजिटल तुला में रखते हैं और इसका द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। आप देख सकते हैं इसका द्रव्यमान है 30.19 ग्राम। आइए इसे नोट करते हैं। यदि हम इसके द्रव्यमान से रिक्त वॉच ग्लास का द्रव्यमान घटाते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान आएगा जो कि 25 मिलीलीटर आसुत जल में घुला हुआ है। 25 मिलीलीटर आसुत जल में सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान है 9.5 ग्राम, परंतु 100 मिलीलीटर संतृप्त विलयन में सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान होगा 38.00 ग्राम। इस प्रकार हमने सोडियम क्लोराइड की विलेयता आसुत जल में दोनों विधियों से ज्ञात की। घनत्व विधि के द्वारा सोडियम क्लोराइड की विलेयता है 38.02 ग्राम, जबकि वाष्पन विधि के द्वारा इसकी विलेयता है 38.00 ग्राम प्रति 100 ग्राम आसुत जल, जो कि लगभग बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 32 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि हमारा आज का तापमान है, उस पर सोडियम क्लोराइड की विलेयता 38.00 ग्राम प्रति 100 आसुत जल है।